सब लड़कियों को माता जी कहते हुए घूम रहे हैं और अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा है कि अगर हाथ लग गया तो ठीक है। यही तो है 95% दुनिया। तुम क्या सोचते हो, बिना अपने फायदे के कोई दूसरे का फायदा करेगा? और जो ऐसा कर रहा है वो पागल है। कभी ड्रामे की लाइफ मत जीना, या तो दुनियावी बन के रहना और या संन्यास। अपने से धोखेबाजी मत करना। तुम मेरे पास आते हो अपने काम के लिए, अपना काम लो और निकलो। तुमको क्या जरूरत है मुझसे दोस्ती करने की? तुम क्या सोचते हो, बिना अपने फायदे के कोई दूसरे का फायदा करेगा? और जो ऐसा कर रहा है वो पागल है। इस दुनिया में कोई भी सेवा के लिए नहीं बैठा हुआ है। अगर तुमसे कोई कहता है कि मैं सेवा के लिए काम कर रहा हूं, वो ज्यादा लूटेगा तुमको। हम पुष्कर गए तो जैसे पुष्कर एंटर किए अजमेर के पास, तो एक आदमी साइकिल चलाता हुआ आया बगल में, बैरिकेटिंग था, वहां एक आदमी है। उसने कहा, भैया 101 रुपये दे दीजिएगा, आपको सब बता देंगे और हमें कुछ नहीं चाहिए, नहीं तो आप अंदर जाके पंडों के जाल में फंस जाएंगे। तो हमने कहा, रहने दे, फंस जाने दे, एक बार लूटेंगे तो अगली बार के लिए समझ जाएंगे। तो मेरी वाइफ ने कहा, नहीं नहीं सही कह रहा है, अभी अंदर पंडे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा ले लेंगे सब। ठीक है चलो, ले गया एक जगह साइकिल वाइकिल खड़ा किया, फिर अंदर आया। फिर मेरी वाइफ से कहा कि वो पकड़ लिया कि यही मेन टारगेट है, इसी को पकड़ो। फिर अपना पानी वानी लिया, फिर कुशा उशा हाथ में दिया, फिर दूध दूध डाला। फिर कहा, संकल्प करिए कि आप अपने पुरखों के नाम पर, परिवार के नाम पर कितने लोगों को भोजन कराएंगे। भोजन कराएंगे और कितने लोगों को वस्त्र देंगे? तो मैंने कहा एक। कह दे एक। तो वो समझ गई, तो उसने कहा एक। तो मेरी तरफ पलटा, अभी मैंने कहा एक आदमी का होता नहीं? कहते होता तो है एक आदमी का, चलिए एक आदमी का। लेकिन मैंने एक आदमी का कितना हुआ? कहा 2200 रुपया। अगर 100 कह दिया होता ना, तो जो गहना हुई ना पहनी थी सब दे कर आना पड़ता। इस दुनिया में कोई सेवा कर ही नहीं रहा है साहब, झूठ बोल रहे हैं। मुझसे बात बहुत लोग आते हैं, आप क्लास में ऐसे ऐसे बच्चों को कह देते हैं कि झूठ बोलना चाहिए। अरे मैंने कहा बैठो चुपचाप, बदतमीजी नहीं, कौन सच बोलता है? तुम बोलते हो। हम बच्चों को संस्कार नहीं सिखाएंगे, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। ध्यान सिखाएंगे, ध्यान अंदर से उनके अंदर सुधार होगा। ऊपर से मुखौटा नहीं लगाएंगे कि बाहर से अच्छे हैं और अंदर से कुछ और ही चल रहा है दिमाग में, वो नहीं सिखाएंगे हम किसी को। हिपोक्रेट, या तो तुम दुनियावी हो या तो तुम सन्यासी हो, तुम दो में से एक ही हो। तुम धोखेबाज नहीं हो कि तुम अंदर से दुनियावी हो और बाहर से सन्यासी हो। सब लड़कियों को माता जी कहते हुए घूम रहे हैं और अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा है कि अगर हाथ लग गया तो ठीक है। यही तो है 95% दुनिया। तो कम से कम मैं तो ठीक हूं ना कि मैं दुनियावी हूं, बस उसमें क्या गलती करता हूं मैं? उसमें कोई गलती है? तुम मेरे पास आते हो अपने काम के लिए, अपना काम लो और निकलो। तुमको क्या जरूरत है मुझसे दोस्ती करने की? कि सर जी आपसे दोस्ती कर ले, आपके साथ बैठे बैठो, किसी दिन तुम्हारी किडनी उडनी गायब हो जाएगी तब चिल्लाओ। तुम आयो, तुम आयो, पढ़ो, अपना काम निकालो, नमस्कारी करो, धीरज निकल लो। तुम मेरे साथ क्यों बैठोगे? जाओ अपना काम पढ़ो यार, मैं क्या बैठ करोगे मेरे साथ बैठ के? नहीं, एक घंटा आपके साथ बैठ ले तो करोगे क्या? ऐसे ही बैठ जाओ, पर किडनी की गारंटी नहीं है, पता अगर कुछ खिला दिए बेहोश हो गए, उठे तो देखे यहाँ चीरा लगा हुआ। ये मैं हर क्लास, इसीलिए तो सब मेरे साथ के लोग और परेशान है ना। कभी ड्रामे की लाइफ मत जीना, या तो दुनियावी बनकर रहना और या सन्यासी।
अपने से धोखेबाजी मत करना। कहोगे फिर तो बड़ी अराजकता मच जाएगी समाज में, बोलने की क्या जरूरत है सबसे? जब सबसे दोस्ती करोगे तभी तो बवाल मचेगा, बोलो ही मत ना अकेले। तुम्हारा एक कमरा, उसको मान लो कि डीएम बंगला है, बाहर निकलो ऐसे ऐसे करते हो, ऐसे 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 एक आदमी रख लो जो तुम्हारे पीछे छाता लेके चले, उससे कह दो कि जब मैं बाहर निकलूँ तो छाता लेके चले, आप तुम्हारा सुबह का नाश्ता दोपहर का खाना मैं दूँगा, ठीक है? थोड़ा सा फील पैदा होगी तुम्हारे अंदर। वो उसके यहाँ क्या नाम है उसका, चाय वाले का, यवले, ये हम लोग पे तुम चाय पी रहे हो, एक आदमी छाता लेके खड़ा, ठीक, लोग तुम्हें देखेंगे, तुम क्यों देख रहे हो उनकी तरफ, ये हंसेंगे लोग, हंसने दो। मैं गांव जाता हूँ कभी, रहो चलो मेरे साथ, एक आदमी छाता लेके खड़ा रहे, चार पांच लोग अपना गन वन लेके खड़े हैं, चार पांच बाउंसर दिल्ली से ले आता हूँ, गुज्जर उज्जर सब मेरे दोस्त हैं, चल हाँ चलो सर ले वाले से। मेरे साथ जो लोग जाते हैं उनसे पूछते हैं कि बहुत पैसा कमाया, नहीं क्या ज़्यादा नहीं कमाया, 1,000-2,000 करोड़ होगा, 1,000 करोड़ चार पांच गाड़ी किराए पे ले जाता हूँ किराए पे, या मतलब मांग लिया, मतलब तुम्हारे पास मर्सिडीज़ है, मैंने कहा यार 2 दिन के लिए दे, अच्छा ले जाइए सर, तो तुम्हारा ड्राइवर ले लिया, तुम्हारी गाड़ी ले ली, तो 2 मर्सिडीज़, 2 BMW, 1 फॉर्चुनर, स्कॉर्पियो, चल ले लो। गांव वाले मर गए। उनका मरना जरूरी था, अनावश्यक गाली देते थे मुझे, अगर मुझे गाली ना देते मैं कभी ये सब करता नहीं, लेकिन उनका मरना जरूरी है। जैसे उसी लड़की ने मुझसे पूछा कि आप मैक्सिमम कितनी लड़कियों से शादी करेंगे, मैंने कहा ये तो ना बता पाएंगे, गिने नहीं कभी। कहा अब तक कितने की कर चुके हैं, मैंने कहा 100 तो क्रॉस ही कर गए होंगे, 100। फिर हंसने लगी वो, खूब कस कस गए, पता नहीं वो वीडियो में है कि नहीं है, फिर वो खूब कस कस के हंसने लगी। मैंने कहा तब भी 10,000 तक देखो, फिर वो खूब कस कस के हंसने लगी। मुझे पता था ये वीडियो बना रही है डालेगी, लेकिन मैं वो बोल रहा हूं जो मैं अंदर से हूं, मुझे ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं।